भाई तू लैंडलॉर्ड बन गया है? अरे सुनो, ये लैंडलॉर्ड बन गए हैं। लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड हाँ। अरे तभी तो मिठाई बांट रहा है भाई, मकान मालिक जो बन गया। यू कलेक्ट रेंट? ऑफ कोर्स। अब पता है इसने सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं बस। नॉट पॉसिबल जी, बिल्कुल। 5 लाख? ये कौन सा अपार्टमेंट मिलेगा भाई? अपार्टमेंट मेरा नहीं है। मतलब जैसे ये मिठाई का डब्बा, बॉक्स एक है लेकिन इसमें जो मिठाइयाँ हैं वो कई सारे लोग खा सकते हैं। सिमिलरली आई एम अ पार्ट ओनर, आई ओन अ पोर्शन ऑफ मैनी अपार्टमेंट्स एंड आई कलेक्ट माई पोर्शन ऑफ रेंट। Returns you cannot ignore at a price that is hard to ignore. Wealth Holdings, buy to rent properties starting at 5 lakhs. Invest and get monthly rental returns plus asset appreciation. तो भाई मेरे पास भी ना 5 लाख रुपए हैं, तो क्या मैं भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, 100%। 5 लाख में आप रेंटल प्रॉपर्टी की एक यूनिट खरीद सकते हैं, 10 लाख में दो और 15 लाख में तीन। समझा पा रहा हूँ? You can buy as many units as you want. हाँ, पर अगर इतने पैसे हो तो फिर इतनी सारी झंझट करने की क्या जरूरत है? हाँ, you can buy any apartment and get rent. Correct. You can also buy a full apartment from Wealth Holdings. I didn't have that much money to invest, so I chose this option. और इसमें कुछ hidden benefits भी हैं। जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको पैसे की जरूरत है। आपके पास 15 लाख की अगर 3 यूनिट हैं, तो 3 यूनिट में से 1 यूनिट आप बेच सकते हैं। In comparison to if you buy a full apartment, you have to sell the whole apartment, no? ये भी सही है। Best part ये है कि I get 7% return, better than any bank deposit. और maintenance, broker, tenant की चिक-चिक कुछ भी नहीं है। चलो ये तो ठीक है फिर, पर actually करना क्या है? I invest money and just collect rent. चलिए, thank you.